Assalamu alaikum. Myself from Shahaseen and I'm the pharmacist at the pharmacy services. Acne एक skin condition होती है जो कि बहुत से लोगों में पाई जाती है, male, female, and it is after the age. Puberty age पे होती है, after 12 to 24 years age की होती है. Acne में हमारे पास two different types of acne होती है, एक inflammatory acne होती है और एक non-inflammatory acne होती है. एक्नी को लोग बहुत लाइटली ले रहे होते हैं स्टार्टिंग में, होम रेमेडीज वगैरह यूज़ कर रहे थे और इररेलेवेंट होती है फॉर टाइम. एक्नी कैन नॉट बी क्योर, सो वी हैव टू यूज़ सम एंटीबायोटिक्स जो कि ओरल एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है और टॉपिकल सॉल्यूशंस भी होते हैं. एक्नी के लिए ज़्यादातर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ओरल एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू द टाइप देखी जाती है कि सिवियर एक्नी है या लाइटली एक्नी है, किस एज पे है, मतलब जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. और जो हमारे पास टॉपिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हमें बहुत केयर करके यूज़ करनी होती है. सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, मैं रिकमेंड करती हूँ कि पेशेंट्स को ये नहीं करना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ टॉपिकल सॉल्यूशन और ओरल एंटीबायोटिक. कि हमने उसको देखा था कि वो ये वाली सॉल्यूशन यूज़ कर रहा था या फिर वो ये वाला सनब्लॉक यूज़ कर रहा था तो हम भी वो यूज़ करें, नहीं. हर इंसान की अपनी एक स्किन टेक्सचर होता है, तो इस हिसाब से ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू योर एक्नी सिवियरिटी. सबसे पहले हमारे पास जो मैं चीज़ें बताना चाहूँगी वो ये कि अगर सन एक्सपोजर है तो उसके मेडिकेटेड सनब्लॉक होना चाहिए. कोई इररेलेवेंट सनब्लॉक नहीं होना चाहिए कि एक्सपेंसिव नहीं है तो हम ये यूज़ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्नी कभी कभार उससे ज़्यादा और ज़्यादा सिवियर भी हो सकती है. सो मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज़ करें, ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, उसके बाद नाइट क्रीम्स भी यूज़ करें, और अगर मिडनाइट इवनिंग में भी कोई क्रीम्स अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें. ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो भी ओरल ड्रग थे या फिर टॉपिकल सॉल्यूशन. इसके साथ साथ हमें जो एक्नी होता है उसका एक और फैक्टर ये भी होता है कि स्ट्रेस ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए. अगर नाइट में सोना है तो सोना है, आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना हो, और ज़्यादा हाइजीनिक आपको देखना चाहिए कि पिलो कवर्स वगैरह आफ्टर 3 to 5 days आपकी पिलो कवर्स चेंज होने चाहिए, बेडशीट चेंज होनी चाहिए, ज़्यादा अननेसेसरी टच ना करें फेस को, और फेस वॉश और कोई रफली सोप यूज़ ना करें. ज़रूरी है कि मेडिकेटेड सोप या फिर जो भी क्लींजर यूज़ करते हैं वो यूज़ करें. मेडिकेशंस और इन सब केयर के साथ साथ हमें ये भी ज़रूर खास ख्याल रखना चाहिए कि हम डाइट क्या ले रहे हैं. डाइट हम अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, लेस स्पाइसी होनी चाहिए, ऑयली चीज़ें ना होने, एक्सेसिव वाटर और लिक्विड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए. दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच.